नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, यहां अभी तक जितने भी वीडियो बनाए उन सब से हटकर इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वो मेरे भाई बहन जो एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं और बहुत मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये कैरियर है। खास करके वो मेरे भाई बहन जो शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर की ओर रुझान रखते हैं, तो ऐसे मेरे भाई बहन काफी तादाद में कॉमर्स लेते हैं और वो करना चाहते हैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। लेकिन इसमें भी काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव भी ऐसा कि आपको पसंद आएगा, नहीं आए तो भी कमेंट कर देना, मुझे बता देना आपकी क्वेरी है, वो भी आपको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अपने विचार आपको जरूर रखने हैं जरिए कमेंट के। तो यहां देख लेते हैं क्या कैसे बदलाव हुआ है और कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो हो सकता है अब आप भी अपना यहाँ कॉमर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, ढंग से आप इन्हें एक बार देख लें। तो जो इंस्टीट्यूट है ICSI यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया, इसने क्या किया है कि CS का जो पैटर्न था रजिस्ट्रेशन का उसमें चेंज किया है। पहले आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम होगा तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पहला चेंज तो ये है, बाकी भी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता था डायरेक्ट 12th के बाद, लेकिन अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये तो हुआ आपका एंट्रेंस वाली बात। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव कोर्स करना पसंद करते, या फिर आपका यहां भी जो एडमिशन था वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा था, तो इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपको यहां एंट्रेंस एग्जाम ही देना पड़ेगा। सीधे एंट्री अब नहीं होगी, ये बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से क्या सिस्टम में रखा गया है। तो पहले आप देखते थे कि CS जो होता था, यानी कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो पहले ये तीन कैटेगरी में हुआ करता था। पहला आपका होता था यहां फाउंडेशन, फिर होता था आपका ग्रेजुएशन यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव, फिर होता था आपका प्रोफेशनल। तो पहले एग्जीक्यूटिव करते थे, फिर आप प्रोफेशनल करते हैं, ठीक। तो ये आपका तीन कैटेगरी में सिस्टम पहले डेवलप था। अब कैटेगरी आपकी बदल दी गई है, केवल दो ही कैटेगरी आपको मिलने वाली है, केवल एग्जीक्यूटिव कैटेगरी रह जाएगी और प्रोफेशनल रह जाएगी। तो पहले सिस्टम अब यहां पुराना रखा है, यानी पहले आपको एग्जीक्यूटिव करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल में जा सकेंगे। तो ये हुआ आपका दूसरा चेंज। पहला आपका एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है, दूसरी बात यानी कि सीधा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, दूसरी बात आपकी कैटेगरी तीन की जगह दो ही बची है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। अब रजिस्ट्रेशन देख लें, जो मेंबर्स हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन 5 साल वैलिड होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि आपका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहने वाला है। अब इसका जो कोर्स है उसका एक बार और सिस्टम समझे। पहले जो कोर्स 3 साल का है वो अब आपका 2 साल वाला हो जाएगा, तो 1 साल आपका यहां सेव हो रहा है। ट्रेनिंग जो आपकी 12 महीने की होती थी, यहां आपको थोड़ी मेहनत करनी है, 21 महीने ट्रेनिंग होने वाली है आपकी 12 महीने की जगह, कोर्स आपका 3 साल की जगह 2 साल होने वाला है। और जो आपकी इंटरनल ट्रेनिंग 15 दिन की होती थी वो अब 60 दिन की होगी। तो मेहनत यहां ज्यादा कराई जाएगी ताकि मैक्सिमम नॉलेज आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये चेंज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया तो भी, नहीं आया तो भी। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।